नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देश पर पुरस्कार घोषित वांछित अपराधियों की गिरफ्त में चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत इनामिया शातिर अपराधी अमित कुमार त्रिवेदी उर्फ टाइगर निवासी नेवादा गंभीर थाना माधवगंज को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह, क्षेत्र अधिकारी नगर विजय कुमार राणा की मौजूदगी में पत्रकारों को जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने वाली टीम ने अपराध शाखा निरीक्षक राजकरण शर्मा, थाना कछोना प्रभारी निरीक्षक सर्विस लांस, टीम उप निरीक्षक पीके सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक उमेश यादव व उनकी टीम शामिल रही और काफ़ी लंबे समय से लगभग 6 सालों से एक हत्या की वो वांछित चल रहा था और इसी वजह से उसके 15 साल से आज हमारी सरकार थाना कछोना वर्तमान थानाध्यक्ष माधवगंज शर्मा के नेतृत्व में इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। घेर के बाद गिरफ्तार करने से प्राप्ति हुई है। रिकवरी में एक ऑनरेबल का तमंचा है जो हमारा साथी है, जो इसका साथी नौशाद ये भी बताना समीचीन होगा कि इस अपराधी के ऊपर दोनों थाना क्षेत्रों कई मुकदमे पर जुटे थे, लगभग 8 मुकदमे पर जुटे थे और पुलिस को काफ़ी लंबे समय से इसकी तलाश थी और इसके बाद आज पुलिस को इसी गिरफ्तार करने से इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था। इनाम बढ़ाने का पेट्रोलिंग भेजा गया था और पिछले 6 सालों से यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।